जय श्रीमान सुब्रत सिंह जी भगवान साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष Thank you.
हमला उधर देख मिडिल नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे करो। हाँ मेरा नाम सेलीजा नाज़की है, मैं JNK से हूँ। हम शाहमदा स्पोर्ट्स अकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं और आज हम यहाँ आए थे खेलने प्रो नाइट फाइट के लिए हैदराबाद। तो यहाँ हमारे दो गर्ल्स ने जीता है प्रो बेल्ट, जीता टाइटैनिक बेल्ट जीता है। उनमें से एक मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है। तो वह हम JNK की तरफ से है और हमारी कोच मंजूर सर है। इनके मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सामने इस मकाम पे खड़ा हूँ, इस और इस हालत में खड़ा हूँ। तो और थैंकफुल टू मंजूर सर। वालेकुम, मेरा नाम सानिया निसार है और मैं JNK स्टेट से आई हूँ। हम प्रैक्टिस करते हैं शह हमदान में। आज हम यहाँ पे प्रो नाइट फाइट खेलने आए थे, तो जिसमें हमारी JNK की एक और लड़की थी और मैं थी, और इसमें हमारी दो दो फाइट्स हुई और मैंने डिफीट दिया महाराष्ट्र और दिल्ली को। तो मैं सारी शुक्रगुजार अपने कोच की हूँ मंजूर सर, जो हमें वहाँ पे सिखाते हैं। और आज ये तेलंगाना के अंदर 7वीं बार नेशनल थाई बॉक्सिंग का जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। आज 20 स्टेट के बच्चे यहाँ खेलने के लिए आए हैं और ख़ास तौर से बात 20 स्टेट में ये रही है कि लड़कियों की संख्या अधिक है। इसके लिए आहिर हुसैन खान को मैं बधाई देना चाहता हूं, इनको इतवार हुसैन साहब को बधाई देना चाहता हूं कि तेलंगाना से इन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि लड़के और लड़कियां चढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और आप देख रहे हो एक से एक चढ़ करके बढ़िया फाइट यहां हो रही है। इसके लिए मैं एक बार फिर पूरी तेलंगाना टीम और पूरे भारत के जो इससे कुलदीप सिंह जी हैं, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करके आप जो प्रतिभाएं, छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको उभार करके राष्ट्र पर लेके आ रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तेलंगाना में आज 7वीं बॉक्सिंग हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आराधना सोलंकी, ब्रांड एम्बेसडर थाई बॉक्सिंग हैदराबाद, मुंबई वुमेन प्रेसिडेंसी राष्ट्रकूट करनी सेना, रिस्पेक्टेड एसोसिएशन टीम, रिस्पेक्टेड श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना टीम, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ आप मेरे कहने पर आए। थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन जॉइंट सेक्रेटरी, तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी, मैं हमारे गुरुजी कुलदीप, डॉक्टर कुलदीप सुमन अक्षर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस तरह का गेम इंडिया को लेकर आया है। 10 साल से आप थाई बॉक्सिंग को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आज आप लोग ये देख सकते हैं कि थाई बॉक्सिंग का कितना क्रेज़ है आज के बच्चों में। ये ऐसा सिचुएशन है, लेकिन हर सिचुएशन पर जब भी ये चैम्पियनशिप हुई है, यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आज 20 स्टेट के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं तमाम स्टेट के सेक्रेटरीज़ का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके हमारे प्रेसिडेंट, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन डॉक्टर कुलदीप सुमन अक्षर साहब का। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है और तेलंगाना में थाई बॉक्सिंग को जन्म दिया है। यहां पर जन्म देने वाले वही है तेलंगाना थाई बॉक्सिंग को, और आज आपकी बदौलत हमारे पास तेलंगाना में ये गेम डेवलप हो रहा है, और ये डेवलप होने की वजह भी कुलदीप सर है। हमने इस गेम को डेवलप करने के लिए हमारे पास जो 3 एकेडमी हैं, जो पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के नाम से है, वहाँ पर हम लोग थाई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चों को, कुछ खास तौर से गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए ये गेम काफ़ी
माने रखता है और लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये गेम। और मैं तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। इंडियन फेडरेशन, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी यही ख्वाहिश रहती है कि जितना हो सके स्पोर्ट्स को मैं डेवलप करूँ। अभी ये 28 स्टेट्स में कंटिन्यू चल रहा है लगातार, और स्कूल गेम्स में इसकी तीनों कैटेगरी अंडर 14, 17 और 19 खेली जाती हैं। और मेरी यही तमन्ना है कि इसका आप जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी इसका चयन हो जाए ताकि बच्चा एक इंटरनेशनल लेवल पर खेल सके। और ये आपका आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, आज ये लास्ट डे है इसका। तीन दिन से यहाँ पे प्रतियोगिता चल रही है और हुसैन साहब ने, जो यहाँ के जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल फेडरेशन में, इन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पर। और हमेशा ये तमन्ना रहती है कि मैं बहुत अच्छे से अच्छा दे सकूँ बच्चों को, ताकि यहाँ पर बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।